हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल आईएस। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्मार्टफोन को एक राइटिंग पैड या फिर एक ड्राइंग पैड की तरह आप यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है वर्चुअल टैबलेट। तो ये यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये पेड वर्जन में भी आता है और इसका फ्री वर्जन में भी आता है। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अब आते हैं पीसी की तरफ। तो पीसी में भी आपको सेम डाउनलोड करना है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया ये वेबसाइट का, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड लिंक देखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देखने को मिलेगा जिसमें आप यहाँ पे विंडोज 7 में भी यूज़ कर सकते हैं, 8 में भी, 10 में भी। तो ये यहाँ पे आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए इसमें। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें जीप फाइल देखने को मिलता है। तो उस पर आप क्लिक करके सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए तो बिल्कुल ही तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सर्वर स्टेटस देखने को मिलेगा कि आपका यहाँ पे सर्वर आईपी यहाँ पे देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ स्टेटस यहाँ पे हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें इनपुट मोड देखने को मिलता है। आप इसे पेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और माउस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेशर सेंसिटिविटी और कर्सर सेंसिटिविटी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। कनेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी। तो यहाँ पे आप तीनों से कोई भी मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएसबी से करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता और आराम से आपका हो भी जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वाईफाई से करके दिखा देता हूँ। तो वाईफाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए पीसी में और यहाँ पे आपको एक सर्वर आईपी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड की तरफ देख सकते हैं आपको एक सर्वर आईपी देखने को मिलता है। तो यही सर्वर आईपी आप अपने फ़ोन में डाल के आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर आ सकता है, तो सिंपल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार रिफ्रेश करेंगे अपने पीसी में, देन आपको फिर उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फ्री वर्जन में ऐड भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। सो ये रहा पूरा वर्चुअल टैबलेट और यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट दोनों बटन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमें और ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मोड देखने को मिलता है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड मोड, मिरर मोड, फुल स्क्रीन मोड और इनपुट मोड, यहाँ पे हमें चार मोड देखने को मिलता है। अगर आपके पास एस पेन है तो आप एस पेन वाला पे क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर अगर आपके पास स्मार्टफोन कोई भी नॉर्मल स्मार्टफोन है तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ होगा। तो वाईफाई से हल्का यहाँ पे लैग करेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आप यूएसबी से करेंगे तो सिंपल आपका बहुत आसानी से कनेक्ट भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका लैग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और काफ़ी आसानी से हो जा रहा है। सो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आप इसे यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यूएसबी से कनेक्ट करने के लिए सिंपल आप थर्ड ऑप्शन में चल जाइए और यहाँ पे हमें कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको डेवलपर ऑप्शन भी इनेबल करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लीजिए पीसी और स्मार्टफोन को। जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे सिंपल अपने सेटिंग में चल जाइए। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में चल जाता हूँ।
तो सेटिंग में जाने के बाद सिंपल आप अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है यूएसपी डेबगिंग, तो इसे आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद सिंपल आप कनेक्ट कीजिए तो यहाँ पर भी आपको एरर आ सकता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अपने पीसी में रिफ्रेश करना है एक बार। तो रिफ्रेश आप करेंगे तो उसके बाद फिर आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका आराम से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, वर्चुअल टैबलेट का एक पैड देखने को मिल रहा है जिसमें आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। यहाँ पे आप इसे माउस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, परफेक्ट आपका ये वर्क करेगा। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।